after the discussion of the first part, that is under section 70, under section 70, that is to be called here as a intersource adjustment of losses. So under section 70, as we have discussed, that whatever is the losses under one head from the different sources, that may also be set off against the other income under the same head. So that was covered under intersource adjustment of the losses. And now today we will discuss about the inter-head adjustment of the losses under section 71. देखिए इसके लिए मैंने आप एक समरी बनाई है जिसको मैं एक पेज के साथ ही सारी डिस्कशन आपके सामने रख दूंगा. तो है इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 71. यहां पे देखिए कि इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉस कैन बी मेड वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर, क्योंकि हमने इंटर सोर्स की भी कहां की थी, असेसमेंट ईयर में की थी, तो ये इंटर हेड एडजस्टमेंट भी जो है वो सेम असेसमेंट में ईयर में होगी. So any head of the income shows a net loss after making inter-source adjustment. Inter-source adjustment करने के बाद अगर किसी head के अंडर जो है कोई net loss आ जाता है तो उसको दूसरे head के अंडर same assessment year में क्या adjustment का provision है, वो सारी discussion हमारी किसके अंडर आ जाती है, inter-head adjustment of losses. तो यहां पे अगर मैं अगर आप देखें तो मैंने इस टेबल को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है. ठीक है जी. अच्छा देखिए कैसे, ये है मेरे पास प्रॉफिट्स, और यानी कि जितने भी मेरे पास कॉलम है वो कॉलम में मैंने लिखा है प्रॉफिट्स. प्रॉफिट का मतलब है हेड्स ऑफ इनकम अगेंस्ट विच लॉस कैन बी सेट ऑफ फॉर द सेम असेसमेंट ईयर. हेड के अंडर जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये इनकम है जिसके अगेंस्ट लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है सेम असेसमेंट ईयर में, उसको मैंने लिया है कॉलम में. ठीक है जी. और उसके बाद अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहां पे मैंने लिए हैं लॉसेस. ये देखिए लॉसेस, तो रोज में क्या है मेरे पास लॉसेस. तो क्या है लॉसेस, लॉसेस फ्रॉम द हेड रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ. ऐसे कौन कौन से हेड हैं जिनके अंडर लॉस हो गया है और उसको जो है ये लॉसेस वाले हैं, और जिसके अंडर जो है हम जिसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट के अंडर जो है उसको सेट ऑफ करना है. तो कॉलम्स में मेरे पास प्रॉफिट आ गए और रोज में मेरे पास लॉसेस आ गए. राइट ओके. और देखिए इसी टेबल से बस आप थ्योरी जो है आराम से लिख सकते हैं और ये आपके टिप्स पे आ जाएगा. तो देखिए सबसे पहले है मेरे पास सैलरी. आप जानते हैं कि सैलरी में प्रॉफिट हो सकता है लेकिन सैलरी में लॉसेस नहीं हो सकते. लेकिन मैंने सैलरी, ये देखो लॉसेस को मैंने रेड से लिखा है और जो प्रॉफिट है उसको मैंने ब्लू से लिखा है थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए. तो सबसे पहले प्रॉफिट्स हैं जिसके अगेंस्ट जो है हम लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी में चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है चाहे डीम टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है. उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. इसको मैंने तीन हेड्स में बांटा हुआ है. एक है स्पेकुलेशन प्रॉफिट, दूसरा है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट जिसको हम जनरल बिजनेस इनकम बोलते हैं, और तीसरा है मेरा प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 35AD. आपको पता है 14 टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स में सेक्शन 35AD में, जिसमें जैसे वेयर हाउसिंग का है, स्टोर का है, हॉस्पिटल आपको याद होगा हमने वहां डिस्कस किए हैं, तो जैसे हॉस्पिटल है 100 बेड से ऊपर का जो हॉस्पिटल है वो भी इस तरह के बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वो सेक्शन 35AD के अंदर जो है वो कवर होता है. उसके बाद हमने कैपिटल गेन है, लेकिन कैपिटल गेन को भी दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म. वो हमने आपको याद होगा कि इंटर सोर्स में भी बड़ा किया था, बड़ा भाई और छोटा भाई. उसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी एक हेड में हमने तीन सब हेड में बांट दिया है, जैसे नॉर्मल जिसको कई जगह पे हम अदर इनकम्स भी बोल सकते हैं. उसके बाद है OMRH यानी कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस, और ये है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये है प्रॉफिट्स जिसके अगेंस्ट जो है आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं. अब देखते हैं कि लॉसेस जो है वो किस किस से हो सकते हैं. देखो सैलरी में आपको आपको पहले भी बताया हमने कि सैलरी
के लिए कोई भी लॉस नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से है, चाहे डीम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, उसके अंडर हमने चार कैटेगरीज में लॉसेस को बांट दिया है। एक है मेरा स्पेकुलेशन लॉस, दूसरा है मेरा नॉन स्पेकुलेशन लॉस, और तीसरा है मेरा लॉस अंडर सेक्शन 35AD, और चौथा है मेरा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर था सेक्शन 32 के अंडर जो है वहां पे हमने एक सेपरेट हेड डिस्कस किया था। बिल्कुल सही बात है, और वहां पे भी हमने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो सेट ऑफ नहीं होता तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इस तरह से हमने वहां पे डिस्कस किया था। फिर हमारा कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। और लास्ट हेड हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक हमारा नॉर्मल लॉस, दूसरा है मेरा ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेज, और तीसरा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, तो ये जी मेरे रोज में आगे लॉसेज और प्रॉफिट्स आगे मेरे कॉलम में। तो चलिए जी, अब हम सबसे पहले आस्क सैलरी। सैलरी का में लॉस कोई नहीं होता, इसलिए इट इज नॉट एप्लीकेबल, 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 नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये कंक्लूजन ड्राइव होता है कि सैलरी में कोई भी लॉस नहीं होता जिसको कि दूसरे हेड के अगेंस्ट जो है उसको सेट ऑफ किया जा सके। राइट, उसके बाद सर हाउस प्रॉपर्टी आ गया। सेल्फ हो चाहे जिस किसी भी तरह की हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको लॉस होता है तो उसको देखिए। अब जहां ये जो टिक लगाया है मैंने, टिक का मतलब है कि इट कैन बी सेट ऑफ, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, तो ये एक तरह से क्या आ गया आपका इंटरसोर्स आ गया ना, ये इंटरसोर्स भी कवर हो गया साथ ही। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस स्पेकुलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है, नॉन स्पेकुलेशन के अगेंस्ट भी, और प्रॉफिट अंडर सेक्शन 35AD के अंडर भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी, शॉर्ट टर्म के अंदर भी, नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी के अंदर जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। ओके, अब आ जाओ सर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। स्पेकुलेशन लॉस आपको पता है कि सिर्फ हमने आपको देखिए बाकी जगह क्रॉस है, सिर्फ एक जगह टिक है और वो है स्पेकुलेशन प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है कि स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, बाकी किसी के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ नहीं होगा। उसी तरह से सर नॉन स्पेकुलेशन लॉस, बिल्कुल देखिए नॉन स्पेकुलेशन लॉस जो है वो सिर्फ सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी सब हेड्स के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी का गेन सेट ऑफ नहीं होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो दो क्रॉस लगे हैं और बाकी सबके आगे क्या लगा है, टिक लगा है। इसको मैं फिर चाहे एक समरी बना करके आपको बताऊंगा। अब आ जाओ लॉसेज अंडर सेक्शन 35AD, सबकी जगह क्रॉस लगा है, सिर्फ 35AD में टिक लगा है। इसका मतलब है 35AD का लॉस सिर्फ 35AD के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, बाकी किसी भी हेड के या सब हेड के अंदर जो है वो सेट ऑफ नहीं होगा, या पार्ट ऑफ द जो पार्ट है हमारे हेड का उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। आज ये अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा और विनिंग फ्रॉम लॉटरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी सब के अगेंस्ट जो सेट ऑफ होगा। ये मैंने जब विनिंग वर्ड यूज कर रहे थे हम उस दिन, तो भी हमने आपको बताया था कि इसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी लॉस जो सेट ऑफ नहीं होता, तभी हमने विनिंग वर्ड जो है वो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आए, सब जगह आपको टिक मिलेगा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, इसका मतलब है बड़ा भाई बड़े भाई के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन छोटा भाई किससे मांग सकता है लॉस के केस में, सर बड़े भाई और छोटे भाई दोनों से। तो सिंपल है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ हो सकता है, बाकी जगह आप देख लीजिए क्रॉस लगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो नॉर्मल है या जिसको हम अदर्स बोलते हैं, नॉर्मल वाला जो है वो सबको छोड़ करके एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल, बाकी सबके अगेंस्ट सेटअप हो सकता है। और यहां पे इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है जैसे, वो सैलरी को छोड़ करके बाकी जगह सेटअप हो रहा है। ओके, अब उसके बाद आ जाइए हम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेज, आपको एक ही जगह टिक मिलेगा, ये देखिए ये रेड से टिक मिला,
बाकी किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग, जो विजय मालिया की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का लॉस जो है वो ओनिंग प्रॉफ मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से अगर कोई गेन होगा तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, अदरवाइज वो सेट ऑफ नहीं होगा। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है वो क्वेश्चन डजंट अराइज, क्योंकि विनिंग वर्ड है और उसको वर्ड विनिंग को लिए अगर आपने जितना भी खर्चा किया होता है, जब उसकी डिडक्शन ही नहीं मिलती तो लॉसेस का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, इसलिए वर्ड ही हमारे पास क्या है, विनिंग है। ठीक है जी सर, इस टेबल को तो ये तो ईजी हो गया, अब तो हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। सर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या हुआ। देखो अगर आप यहां से देखें तो ये देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी के अंदर जो है सारे के सारे क्या लगे हैं, क्रॉस लगे हैं। सैलरी के अंदर जो है वो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, ठीक है अच्छा। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में देखें तो यहां लिखा है रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2,00,000, तो जरा हाउस प्रॉपर्टी से शुरू करें। तो देखिए जी हम ऊपर वाले चार्ट से जो है वो क्या क्या जो पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि इसको कैसे बनाना है, वो अब आपकी हेल्प करेंगे, अब निकाल लेते हैं। देखिए आपके सामने है, लिखा है सारे हेड्स के अंडर रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2,00,000। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको ₹2,00,000 से ज्यादा का नुकसान होता है तो वो सेट ऑफ सिर्फ आप ₹2,00,000 का ही कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट क्या आ गया, सेट ऑफ ऑफ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ द इनकम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2,00,000 फॉर एनी असेसमेंट ईयर। ₹2,00,000 से ज्यादा के जो है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। निकल गया जी कंक्लूजन, तो समझ गए जी ₹2,00,000 क्यों लिखा है, ये है ₹2,00,000, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। अगर आप यहां स्पेकुलेशन देखें तो सिर्फ किसके अगेंस्ट आया, स्पेकुलेशन, बाकी जगह क्या है, क्रॉस है। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास सामने आ गया कि जी स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है जी, बाकी किसी के अंदर सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा उसके बाद अगर आप देखें कि ये जितने भी बिजनेस लॉसेस हैं, ये देखो चाहे स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन है, लॉस अंडर सेक्शन 35AD है और अनअब्सॉर्ब, इन सब के आगे जो है ये देखिए क्या लगा है, क्रॉस। और ये किसके अंडर आते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर आते हैं। तो बन गया मेरा पैटर्न क्या, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी। लो जी बिजनेस इनकम जो है सैलरी के अंडर जो है वो सेट ऑफ नहीं होगी। आया जी बना जी पैटर्न, लो जी एक और पैटर्न बन गया, एक पैटर्न हमारा ये बना था। अच्छा उसके बाद आ जाइए यहां पे सर, जो कैपिटल लॉस है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है, पहले शॉर्ट टर्म पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है दोनों के अगेंस्ट सेटअप हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेटअप होगा। लो जी नया पॉइंट आ गया, क्या कर लेंगे हम, लिखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहीं से आ रहा है, मैं कोई कहीं से नहीं हायर कर रहा हूं, देखो आपके सामने टेबल बना है वहीं से वर्डिंग बन रही है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ ये है, शॉर्ट टर्म के आगे दो रोज, बाकी जो है सब क्या है, क्रॉस है। तो देखो एक और पैटर्न बन गया। अच्छा उसके बाद अगर आप देखें यहां तो सब जगह टिक है, सिर्फ विनिंग फ्रॉम लॉटरी को छोड़कर, अगर ये देखें तो सिर्फ इसके, तो ये पैटर्न बना, तो क्या बना, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी, यानी कि अगर वो सेम एक्टिविटी कर रहा है उधर उसको प्रॉफिट हो रहा है और इधर उसको मेंटेनेंस के ऊपर लॉस हो रहा है, तो वो सिर्फ उसी के अगेंस्ट सेटअप होगा, बाकी जगह सेटअप नहीं होगा। देखिए ये अमर्श हो गया। अच्छा सर एक ये अमर्ज हुआ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बिल्कुल, तो इसके लिए मैंने पॉइंट नंबर 6, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल व्हाट एवर इट इज, कोई भी जो लॉस है वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। बोलो जी अब आप क्या करेंगे, इस टेबल को चाहे आप टेबल बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि थ्योरी जो है वो कैसे होगी, आप उस एग्जाम में थ्योरी कैसे लिख सकते हो और अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर हेड। तो पहले हमने क्या किया सर, इंटर सोर्स, अब क्या किया, इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। तो पहले हमने सोर्स की, सोर्स को भी सेम असेसमेंट ईयर में होगी और यहां पे जो इंटर हेड है वो भी सेम असेसमेंट ईयर में होगी।
अब बाय द वे मान लीजिए कि ये अब सेट ऑफ नहीं हो पाते तो क्या करेंगे सर, तीसरा करेंगे वो क्या है, दैट इज ए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ द लॉसेस। अब हम अगले सालों में लेके चले जाएंगे और फिर वहां पे उसको सेट ऑफ करने की कोशिश। सेक्शन 70 और 71 के डिस्कशन के बाद जो थर्ड हमारे पास आ जाता है दैट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस, तो उसको भी हम टेबल फॉर्म में मैंने आपको लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। कौन सी सेक्शन इन्वॉल्व है, सेक्शन 71 बी है। तो पहला सेक्शन आ गया, दूसरा है लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, कौन सा ऐसा लॉस है जिसको कि जो कि सेट ऑफ नहीं हो पाया जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हेड ऑफ द इनकम अगेंस्ट विच द सेट ऑफ, अब जरूरी नहीं है कि जैसे पहले तो आपको पता था कि किसी भी हेड के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ कर दो, लेकिन अब जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो अब सब आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा हेड है जिसके अगेंस्ट ये सेट ऑफ होगा। टाइम लिमिट टू कैरी इट फॉरवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करता है। अब जरूरी कितने टाइम पीरियड तक जो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, क्या बिजनेस अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो क्या वो बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तभी कैरी फॉरवर्ड होगा। और सेक्शन 80 का मतलब होता है यहां पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखो सेट ऑफ लॉ ऑफ लॉस जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उस साल की जिस साल लॉस हुआ है उस साल भी अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तभी आपको कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन कई लोग जो है वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि यार इस साल तो मेरा लॉस है तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं। लेकिन मैं तो ये एडवाइस करूंगा आपको कि हर आदमी को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो क्या करना चाहिए, अपनी रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो इस ये जो आपको मैंने आपको बताया था कि ये तो सिर्फ एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है एसएससी को कि वो अपने जितने भी वो अपने टैक्स को जो है वो सेव कर सकता है। तो आइए चीज को भी सेक्शन 71 बी में लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड किसका है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, किस हेड के अगेंस्ट ये सेट ऑफ होगा। देखो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी तो यहां फंस जाते हैं हम कैरी फॉरवर्ड में, अगर सेम असेसमेंट ईयर में तो क्या था हाउस प्रॉपर्टी का कहीं भी कर लेते थे एडजस्टमेंट, अब नहीं कर पाएंगे। अब जब कैरी फॉरवर्ड है तो किसके अगेंस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी। कितने साल तक, सिर्फ 8 साल तक। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस यहां तो एप्लीकेबल ही नहीं है और नॉट नेसेसरी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न करें चाहे ना करें आपको कैरी फॉरवर्ड का फायदा मिल जाएगा। सेक्शन 72 जिसको मैं जनरल बिजनेस बोलता हूं, देनी के प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेशन स्पेशल बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इनको छोड़ करके जो भी आपका जनरल बिजनेस से अगर आपको लॉस है तो दिस प्रॉफिट एंड ये किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इवन अगेंस्ट गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। यहां अनअब्सॉर्ब नहीं है क्योंकि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो जो इतना डेप्रिसिएशन हो जाता है कि वो सेट ऑफ नहीं हो पाता। तो क्या है जनरल बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस के अंडर भी जो है इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। इसका टाइम पीरियड कितना है सर, 8 इयर्स है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है लेकिन सेक्शन 80 बिल्कुल रिटर्न फाइल होनी चाहिए तभी फायदा होगा, तभी आपको कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया ना दिया जाएगा। तो तभी मैंने आपको सेक्शन 80 लिखा है। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 73। अब इससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड पीजीबीपी से ही है। अब क्या है स्पेकुलेशन बिजनेस, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अगर आपने सेट ऑफ नहीं हो पाया असेसमेंट ईयर में तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर जो है किस हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस। और इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 4 साल। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस नॉट एप्लीकेबल, रिटर्न फाइल होनी चाहिए। सेक्शन 73A आ जाता है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। आपको मैंने बताया वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, बेड्स हैं, 14 कैटेगरीज हैं ये। तो ये किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, अगर मान लो कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर जो है सब्सिक्वेंट ईयर्स में दोबारा से जो है वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम है। यहां कब तक, कोई लिमिट नहीं है, जब मर्जी एनी नंबर ऑफ द ईयर्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। कंटिन्यूटी बिजनेस डजेंट अराइज, क्वेश्चन डजेंट अराइज। लेकिन सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के अंडर क्या आता है जी, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर हम 32 में तो पढ़ा है डेप्रिसिएशन, सही बात है। तो ये एनी हेड अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़कर के किसी भी हेड के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ किया जा सकता है और एनी नंबर ऑफ द ईयर्स कोई नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी बिजनेस होनी चाहिए और सेक्शन 80
रिटर्न फाइल होनी चाहिए, ये भी कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए, बस आपको थ्योरिटी के लिए यही तो बातें लिखनी है। उसके बाद सेक्शन 74 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में अगर आपको लॉस हो है और वो सेट ऑफ नहीं हो पाया सेम असेसमेंट ईयर में, तो सब्सिक्वेंट ईयर में लेके जाएंगे और सब्सिक्वेंट ईयर में आपके पास ये दोनों का गेन सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। लेकिन कब तक? 8 साल तक। सेक्शन 80 यस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन बड़ा भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने बताया था ये बड़ा भाई छोटे भाई के अगेंस्ट, छोटा भाई जो है बड़े के पास जा सकता है लेकिन बड़ा भाई छोटे के पास नहीं जाएगा, इसलिए ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टाइम पीरियड कितना है जी? 8 साल। और सेक्शन 80A फाइलिंग ऑफ रिटर्न यस। उस तरह से सेक्शन 74A ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज आ गया जी, बीजे मालिया याद, जो आपको हमने डिटेल में ग्राउंड बना करके सारी कहानी सुनाई थी, तो उस दिन हमने जो स्टोरी सुनाई थी आज हमें काम आ रही है। किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेज, उसके अगेंस्ट और बाकी के नहीं। कितने टाइम पीरियड तक? 4 साल। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डजंट अराइज, और बिल्कुल रिटर्न फाइल होनी चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा हमने बोला था कि ये जो है सेक्शन 70 से लेकर के 79 तक चलता है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी बातें, मैं अमलगमेशन की बातें नहीं करूंगा, वो थोड़ी एडवांस बातें होंगी वो छोड़ दूंगा। सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 में कहता है ड्यू टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म लॉस एट्रीब्यूटेबल टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट फॉर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन। इसको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन को छोड़ करके अगर मान लो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंज कर दिया जाता है कि एक पार्टनर जो है रिटायर हो गया या वो पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई, तो फिर उस केस में जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके चेंज हो जाएगा तो लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए नहीं होगी। सेक्शन 78 सबसेक्शन 1। सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 के अंदर जो है सक्सेसर ऑफ द बिजनेस अदर देन इनहेरिटेड, फादर की डेथ है सन इनहेरिटेड है, नॉट अलाउड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अदर देन इनहेरिटेड। ठीक है जी, इनहेरिटेड है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सेक्शन 79 सबसेक्शन 79B इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आपको नॉलेज बता रहा हूं। शेयर होल्डर्स हु बेनिफिशियली होल्ड 51% और मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी कंटिन्यू टू होल्ड 50% ऑफ वोटिंग राइट, ऑल शेयर होल्डर ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ, दैट इज रिगार्डिंग द सेट ऑफ और स्टार्टअप ऑफ बिजनेस। तो आई होप नाउ कि जो ऊपर वाली बातें जो जनरली न्यूमेरिकल में आपको तंग करेंगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और होता है इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट डर जाता है कि ये पता नहीं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का लॉसेस कितना बड़ा है और ये लास्ट में जाकर के, तो मैं इसको जो है वो अटेम्प्ट नहीं करता। तो चलिए अब जितनी भी थ्योरी डिस्कस करी है हमने, तो सबसे पहले उस कंसेप्ट को आपको उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है ये है कि मिस्टर राम पटेल हैं, सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज इनकम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या है जी? सैलरी इनकम उनकी कंप्यूटेड है 24,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस ए से उनको इनकम हो रही है, हाउस बी से उनको लॉस हो रहा है, हाउस सी जो है स्पेकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसलिए उसको लॉस हो रहा है 28,000 का। इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्लोथ का बिजनेस है तो उससे प्रॉफिट हो रहा है, हार्डवेयर का बिजनेस है उस पर लॉस हो रहा है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट हो रहा है और स्पेकुलेशन लॉस भी हो रहा है 17,000 का। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म गेन है 8,000 रुपए का, शॉर्ट टर्म लॉस है उनको 24,000 का और लॉन्ग टर्म गेन है उनको 8,000 का। इसके अलावा जो है अदर सोर्सेज उनकी इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम बैटिंग है 12,000 रुपए की, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स है 6,000 रुपए का, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स है 9,000 का, जरा ध्यान रखना लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस है आपकी 8,000। तो इस तरह से मेरे पास जो 5 हेड्स यहां पे दे रखे हैं, अब हमने देखना है कि इसकी जो टोटल इनकम है वो कैसे कंप्यूट की जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास है कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम पटेल, जो भी असेसमेंट प्रीवियस ईयर का वो कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास कौन सा हेड है जी? सैलरी। सैलरी में आपको क्या दे रखा है? ग्रॉस अमाउंट है। हाँ, एक ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने 3 अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, ठीक है?
तो ये इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इसके अंडर आता है। तो सैलरी को तो कंप्यूटेड है इसलिए और प्लस 24,000 लिख दिया मैंने। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में अभी हमने देखा आपने कि हाउस ए से जो है, ये देखिए हाउस ए, ये हाउस ए, बी से लॉस है, सी से जो है वो भी लॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, हाउस ए से जो है वो दूसरे कॉलम में 10,000 प्लस है, हाउस बी में लॉस है 40,000 का, हाउस सी से भी लॉस है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये इसके, इसको क्या बोलते हैं, इंटर सोर्स, तो सोर्स के अंडर ही ये जो है सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये 68 से 10,000, 68 अगर लॉस था, 10,000 से सेट ऑफ हो गया, तो रिजल्ट मेरा कितना आ गया, 58,000 हो गया जी इंटर सोर्स। ओके, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएं तो वहां पे क्लोथ के बिजनेस से प्रॉफिट है बिल्कुल प्लस 10,000, और हार्डवेयर के बिजनेस से लॉस है 12,000 रुपए, क्योंकि आपको पता है कि स्पेकुलेशन का प्रॉफिट जो है, ये देखिए स्पेकुलेशन में प्रॉफिट और स्पेकुलेशन, क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट का अगेंस्ट सेट ऑफ होता है। ओके, तो अब आज ये क्लोथ, तो ये दोनों जो है आपस में सेट ऑफ होकर के रिजल्ट क्या आ गया, -2,000। स्पेकुलेशन प्रॉफिट कितना है, 12,000, लेकिन स्पेकुलेशन लॉस कितना है, 17,000। अब देखिए जो स्पेकुलेशन लॉस है वो दूसरे सोर्स के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो तो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये क्या किया जाएगा सर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप वहां पे स्पेकुलेशन का अगर प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात होगी कि इसका जो इस साल जो रिजल्ट है वो नील है, लेकिन 2,000 का लॉस हमें दोनों बिजनेस से हुआ है, तो नेट रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया, 2,000। इस 5,000 को नहीं लेके जाना क्योंकि ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ जी आप कैपिटल गेन के ऊपर। सर कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में क्या हुआ कि कैपिटल गेन में अगर आप देखें तो वहां पे शॉर्ट टर्म गेन है मेरा 8,000 रुपए का, ठीक है जी। ये लो जी 8,000 का शॉर्ट टर्म गेन है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉस है मेरा 24,000। तो ओके, सेट ऑफ शॉर्ट टर्म लॉस कितना, 24,000। तो अभी 8,000 सेट ऑफ हुआ तो अभी भी लॉस कितना रह गया, 16,000 रुपए का। अब उसके बाद मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 8,000 का, ठीक है। छोटा भाई अगर रो रहा है तो बड़ा भाई उसको उसके आंसू पोंछ लेगा। तो यहां पे बड़े भाई के पास कितने, 8,000 है, उसके पास आंसू 16,000 के हैं, तो उसको चुप करा देगा। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना रह गया, सिर्फ 8,000। अब तो और कोई चारा नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है, किसी और हेड के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ नहीं होता। अगर ये चीज है तो इसका मतलब है कि अब ये वाला अमाउंट भी क्या किया जाएगा, दिस अमाउंट इज ऑल्सो टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो 8,000 रुपए भी क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके, अब उसके बाद आप नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया जी, अदर सोर्सेज की इनकम है। तो अदर सोर्सेज के केस में क्या है, अदर सोर्सेज में हमारे पास है इनकम फ्रॉम बैटिंग है। हाँ, इनकम फ्रॉम बैटिंग कितनी है, 12,000 की है। ओके, इनर कॉलम है, तो ये किसमें है, प्लस में है। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स कितनी है, प्लस 9,000। सर एक लॉस फ्रॉम कार्ड गेम, आपको पता है कि ये कैजुअल इनकम है, तो कार्ड गेम का जो लॉस है वो आपको बताया था कि अगर वो जीतता है तो उसको अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउड नहीं होते, इसलिए लॉस फ्रॉम कार्ड गेम यहां पे नहीं लिया जाता, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो ये क्या हो गया जी, सर ये 21,000 रुपए जो है वो प्लस में हमारे पास आ गए। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है ग्रॉस, तो ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो है वो मैंने ले रखी है, दैट इज 8,000 की। तो ये 21,000 प्लस 8,000 कितना हो गया जी, 29,000। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, ये क्या, ये इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो मुझे अगर मैं यहां देखूं तो सैलरी से मेरी 24,000 है, हाउस प्रॉपर्टी से 58,000 है, लेकिन स्पेकुलेशन लॉस कैसा कैरी फॉरवर्ड, पीजीबीपी से मेरे को 2,000 का है, और यहां अदर सोर्सेज में कुछ एक इनकम मेरी कैजुअल इनकम है। कौन कौन सी है, ये 12,000 और 9,000 है, ये कैजुअल इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जनरल इनकम है, और आपको पता है कि कैजुअल इनकम को दूसरी इनकम से अलग कर दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर स्पेशल रेट लगता है टैक्स का, याद आया जी कैपिटल गेन का। तो इसलिए यहां पे अब देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो ये देखिएगा, अब आपके लिए इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कैसे की जाएगी वो देखिए। अब मैंने क्या किया कि टोटल इनकम मैंने यहां लिख दिया कैजुअल इनकम 21, बाकी जो है वो यहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए बिजनेस लॉस इज सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी,
तो बिजनेस का लॉस कितना था जी? 2000 रुपए। कुछ याद आया जी आपको 2000 रुपए का लॉस? नहीं आ रहा है? ये देखो 2000 का लॉस है किससे? पीजीबीपी से, ठीक है जी। तो पीजीबीपी का लॉस 2000 किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपके सामने है 8000 की, तो इसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, तो कितना रह गया? 6000, 6000 प्लस रह गया। अच्छा, अब उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, ठीक है जी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है सर 24000 है, ठीक है, 24000 है, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है? 58000। तो क्या हुआ? 24000 से ये इसके अगेंस्ट सेटअप हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया मेरा? -34000। अब क्या हुआ? अब हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लॉस के अगेंस्ट जो है, बिजनेस लॉस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास सामने आ गया था। ओके, तो ये अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 6000 इसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, तो मेरा क्या हुआ? हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कर दिया जी मैंने, इसका रिजल्ट कितना है? 28000। लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अगर नहीं चारा है तो ये क्या किया जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। तो बताओ मुझे, आपने अब वहां पे न्यूमेरिकल में ऐसा ना करना शुरू कर देना कि अच्छा जी ये 24000 का प्रॉफिट है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो 60000 में से 24000 चले गए, तो 60000 माइनस 24000 36000 में से ये 34000 माइनस के आगे 29000 प्लस के आगे, तो 5000 रुपया जो है वो इनकम होगी। गलत बात है। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या होगा कि ये जो 21000 रुपए है ये तो कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम को जो है दूसरी इनकम से क्या कर देते हैं हम? एक्सक्लूड कर देते हैं। जब एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास क्या रह गया? सिर्फ 58000, और ये 26000 सिर्फ कितना रह गया? 36000 रुपीज रह गया, ठीक है जी, 36000। ओके, और 36000 में से आपने 8000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो आपके पास एक तरह से जो हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये देखिए आप, ये 21000 को हम यहां पे छोड़ देंगे, और यहां पे 58260 हो गया, 60000 में से मेरा 24000 माइनस हो गया, और ये मेरा आ गया 36000। 36000 में से 8000 के जो है मेरे ये सेटअप हो गए, तो अल्टीमेटली मेरा कितना हो गया उस प्रॉपर्टी? 28000। ये देखिए ये 28000 विच इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। ये मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, ये वो स्टूडेंट करेगा जिसको कंसेप्ट का नॉलेज नहीं होगा, जिसको कंसेप्ट का नॉलेज होगा वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसलिए सिर्फ अब उसको जो टैक्स देना है वो ये 21000 रुपए के ऊपर अलग से देना है, और ये जो लॉसेस हैं दीज आर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स, दीज आर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है जी। एक जो है स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, और दूसरा जो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी यहां पे हमने उसकी क्या कर दी गई? उसकी एडजस्टमेंट कर दी। ओके, तो चलिए इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन करते हैं वहां पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है? फॉलोइंग्स आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड लॉसेस ऑफ मिस्टर रूपनगर, कैलकुलेट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ए 80000। बस ऐसा जैसा क्वेश्चन हो जाता है आपका एग्जाम में, 10 मिनट नहीं लगते। लॉस फ्रॉम बिजनेस बी 20000। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60000। अगर स्पेकुलेशन गेन होगा तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 20000 है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 24500 है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज 15000 है, इनकम ऑफ लॉटरी जो है ग्रॉस 20000 की है, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम 16000 के हैं, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग है आपको पता है 6000 रुपए का। मिस्टर रूपनगर हैज द फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। अब देखिए ये पिछले साल के लॉसेज जो है वो लेके आया है इस साल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 2017-18, और हम यहां पे 2021 की बात कर रहे थे, 4000। इसका मतलब अब आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 18-19 10000 रुपए।
unabsorbed depreciation for the assessment year 2016-17 25,000. Then loss from owning and maintaining of the race horses for of the assessment year 15-16 10,000. 16-17 18,000. ये जो years दे रखे हैं इसका मतलब कुछ confusion create करने की बात की है आपको. Brought forward loss of business of A for assessment year 2013-14 18,000. देखिए बहुत सारी incomes आपके पास दे रखी हैं, तो इसका अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो इसको भी मैं क्वेश्चन को साथ ही रखता हूं, इसलिए मैंने अलग रखा है कि जहां भी अब आपको जरूरत होगी वहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले है जी मेरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. ये देखो तीन उसमें मैंने डिवाइड कर दिया अमाउंट. तो पहले हमारे पास क्या है, ये देखिए पहला है जी हमारे पास लॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ए. तो मैंने भी क्या लिखा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए प्लस 80,000, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी माइनस 20,000 कर दिया लॉस और ऑफ द करंट ईयर. तो इसके अगेंस्ट क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया. सेट ऑफ करके मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 60,000. ओके, अब है मेरे पास स्पेकुलेशन की बात, थोड़ी सी देर में बात करते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा बात करते हैं. अब चलते हैं हम, क्योंकि यहां पे मेरे पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बात करी है. ठीक है, ये देखिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17 दैट इज 25,000, क्योंकि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी भी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है. तो इस तरह से मेरे पास क्या है, सेट ऑफ ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड, जो पिछले साल का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है सबसे पहले उसी को उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा, दैट इज 25,000, क्योंकि प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है ना. ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ याद आया आपको, आया कि नहीं आया, ये देखिए ये है पीजीबीपी इवन अगेंस्ट फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35A और 8 साल तक. तो हमने क्या किया जी कि कितना था जी 25,000 रुपए, ये कहां था, ये है जी आपका 25,000, ये है 25,000. तो हमने 25,000 को सेट ऑफ कर दिया हमने 25,000, मेरा नेट रिजल्ट कितना आ गया 35,000. अच्छा, उसके बाद कुछ एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है ऑफ बिजनेस ए. बिल्कुल ई है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2013-14 18,000, कितना साल, 8 साल तक है, तो 8 साल तक अभी चल रहा है, सो इसका मतलब मिल जाएगी. तो ये भी हमने 18,000 रुपए जो है वो यहां पे सेट ऑफ कर दिया. ओके, अब इसके बाद ये सेट ऑफ करने के बाद मेरे पास क्या है, नेट रिजल्ट आ गया 35,000 माइनस 18,000 कितना 70,000, इसको मैंने आउटर कॉलम में दिखा दिया. अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ जी कैपिटल गेन में सर. ओके, कैपिटल गेन, चलिए कैपिटल गेन में मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये देखिए कितना 50,000 है, मैंने 50,000 लिख दिया. अब पिछला को 18-19 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी था, ये देखो कितना है जी 10,000. तो सबसे पहले हम उसी को सेट ऑफ करते हैं, ये प्रोसेस होता है, पहले पिछला लेंगे फिर करंट का लेंगे जब ब्रॉड फॉरवर्ड होता है सर. अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग टर्म, बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कहां गया जी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये 20,000 रुपए लॉस है 20,000. अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड भी था हमारे पास, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 17-18 कितना जी 4,000 रुपए. और एक और था मेरे पास शायद लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये हो गया, ये हो गया, हाँ नहीं है और नहीं है. तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये 24,000, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जब बड़ा भाई क्या है जी, बड़ा भाई अगर रोता है तो छोटा उसको चुप नहीं करा सकता, लेकिन छोटा अगर रोता है तो बड़ा चुप करा सकता है. तो यहां पे अब हमारे पास क्या है, बड़े भाई को लॉस हुआ है, पिछले साल का भी लॉस है, तो ये क्या किया जाएगा, अब नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता. ओके, तो यही तो कुछ एक पॉइंट्स हैं. आ जाइए अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज में पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितनी 24,500, हाँ ये है. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस सी 60,000, ये क्या होगा, क्योंकि ये स्पेकुलेशन गेन नहीं था इसलिए ये 60,000 रुपए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा, अगले सालों में चला जाएगा. ओके, अच्छा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ठीक है जी, कितनी आ जी 24,500,
लिख दिया जी, ये देखो 24,000 यहां लिख दी। सर इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, वो तो भाई उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है, तो देखते हैं कहां पे है। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेज इज 15,000। अच्छा उसके बाद देखते हैं जी ओनिंग फ्रॉम, ये ओनिंग और मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस असेसमेंट ईयर 15-16 10,000 और असेसमेंट ईयर 16-17 का 18,000। सर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस की जो टाइम लिमिट है वो 4 साल है। अगर 4 साल है तो देख लेते हैं, पहले 15-4-19 इसका मतलब इसकी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेस 15-16 कैन नॉट बी सेट ऑफ बिकॉज नाउ इट इज आफ्टर इट इज ग्रेटर देन 4 ईयर्स राइट। और सर 16-17 का बस लास्ट था, लास्ट है 20-21, तो हम 20-21 की तो कैलकुलेशन करते हैं इसलिए 18,000 इसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो फिर भी हमारे पास क्या रह गया, लॉस रह गया, लॉस रह गया तो वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि बाकी तो कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए इनकम भी यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। अच्छा उसके बाद है सर रेस हॉर्सेस भी हमारे पास हो गया। हाँ आप आ जाइए, अब इनकम फ्रॉम लॉटरीज ग्रॉस है 20,000 का, लो जी 20,000 का लॉस हमने यहां लिख लिया। सर इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स है, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स है 16,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद है लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, आपको पता है गैम्बलिंग का लॉस जो किसी के अगेंस्ट जो सेट ऑफ नहीं होता, तो लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग कैन नॉट बी सेट ऑफ, ये लो जी गैम्बलिंग भी खत्म हो गया। सारे आइटम्स हमारे पास हो गई, तो यहां पे मेरे पास इनकम कितनी आगी 36,000। ओके तो देखिए जी अब हमारे पास 24,500 प्लस 36,000 अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो होगी 60,500। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां पे हमारे आउटर कॉलम में क्या क्या आया, कैजुअल इनकम कोई नहीं है जिसको मैं अलग कर सकता था, नहीं है। तो ये 17,000 पीजीबीपी की है, 40,000 कैपिटल गेन की पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, 60,500 भी पॉजिटिव है क्योंकि कोई साइन इसके साथ नहीं लिखा, तो तीनों की इनकम मेरे पास क्या आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम। सो जीटीआई इज इक्वल टू 1,17,500। लो अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो इसी के साथ अब आप और प्रैक्टिस करेंगे, तो अब हमने तीन बातें जो है वो डिस्कस कर ली, एक हमारा इंटर सोर्स, दूसरा मेरे पास इंटर हेड, और तीसरा जब नई सेट ऑफ होता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं फिर सेट ऑफ करते हैं। तो आज आपको लगता है मुझे इस चैप्टर का जो पूरा थीम था वो था सेट ऑफ, फिर था कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। तो जो पहला सेट ऑफ है उसको लास्ट के लॉसेस के साथ लगाएं तो सेट ऑफ ऑफ द लॉसेस, इसका मतलब वो इंटर सोर्स की बात कर रहा है। फिर अगर उसके बाद अगर हम कहें कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब वो ना इंटर सोर्स ना इंटर हेड हो रहा है, फिर हम उसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में ले के जाकर के उसको सेट ऑफ कर रहे हैं राइट। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा जो है यहीं पे खत्म होता है।